सतनाली सहित आसपास के गांव में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गांव में आमजन के साथ पशु पक्षी भी गर्मी से बचने के लिए बिलबिला रहे हैं और चिलचिलाती धूप व गर्मी से पक्षियों का जीवन बचाने के लिए नावा गांव के रविंदर सिंह ने अपने भतीजे के जन्मदिन पर पक्षियों को दाना पानी डालकर उन्हें बचाने की एक अनूठी पहल की है। इस मुहिम के तहत नावा निवासी रविंदर कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर आधा दर्जन से भी अधिक गांव में पक्षियों के लिए पानी के सकोरे लगवाए और ग्रामीणों से अपील की कि वह अपने घरों की छतों पर सकोरे में पानी भरकर रखें और दाना पानी डालें। गांव में पक्षियों के लिए सकोरे लगा रहे लोगों ने कहा कि पर्यावरण को संतुलित रखने में पेड़ पौधों के साथ साथ पशु पक्षियों की भी अहम भूमिका है, लेकिन मनुष्य के स्वार्थ के चलते इन सब की संख्या लगातार कम हो रही है। उन्होंने कहा कि पानी पृथ्वी पर जीवों के लिए अमृत के समान है, पानी के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मनुष्य तो इधर उधर से पानी मांगकर प्यास बुझा सकता है, लेकिन पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। पक्षी पर्यावरण का अहम हिस्सा है। बिगड़ रहे पर्यावरण के चलते पक्षियों की कई प्रजाति लुप्त हो चुकी है, जबकि कई लुप्त होने की कगार पर हैं। पक्षियों का जीवन बचाने के लिए उन्हें घरौंदे दाना व पानी उपलब्ध करवाएं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि बेसहारा पशुओं के लिए घर के बाहर पानी की व्यवस्था करने और पक्षियों के संरक्षण के लिए जितना संभव हो उसके प्रयास जरूर करें। आज आपने स्कूल रखे हैं इनके बारे में? आज हमने ये सकोरे लगाए हैं। मेरा काम राष्ट्र के नाम समिति के सौजन्य से हर वर्ष की भांति पानी पिलाएं पक्षी बचाए मुहिम के तहत, और आज विशेष सहयोग यह है कि हमारे रविंद्र बागवतिया जी उनके भतीजे के जन्मदिन की खुशी पर गांव डिगरोत्ता में और डिगरोत्ता वासियों के सहयोग से आज ये पक्षियों के लिए पानी सकोरे लगाए गए हैं। और मेरी आप सभी से अपील है कि आप हर खुशी में पक्षियों के लिए पानी सकोरे लगाएँ। धन्यवाद। बताएँ, आज हमारे गाँव में नावा से टीम आई है। हमारा काम राष्ट्र के नाम से जो पशु पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए हैं, पानी वगैरह के जो पशु उस टाइम भीषण गर्मी में जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए, इस पक्षियों को पीने के लिए अच्छा पानी मिल सके और गर्मी से वो बच सके। मैं किस मुहिम को देखते ही रखें? सबसे पहले तो हमारी टीम में मेरा काम राष्ट्र के नाम की तरफ से सभी विकतावासियों को, सभी देशवासियों को अभिवंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। दूसरा साथियों, इस भीषण गर्मी में इंसान अपने बचाव के लिए कहीं वाटर कूलर लगवा रहा है, कहीं कुएं खुदवा रहा है, कहीं बोरवेल हो रहे हैं, कहीं पानी की टंकियां बन रही हैं, लेकिन इन बेजुबान पक्षियों के लिए हम में से किसी को आगे आना होगा ताकि इनकी भी जो जान है वो इतनी ही कीमती है जैसे कि आम इंसान की होती है। तो मैं अपने सभी सुनने वालों से, देखने वालों से, अपने युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि इन बेजुबान पक्षियों की ओर भी थोड़ा ध्यान दें और इनके बचाव के लिए इतनी भीषण गर्मी में पानी के सकोरे अपने छतों पे, अपने घर की छतों पे, अपने जहाँ भी उनको ये ऐसा लगे कि यहाँ पक्षी इकट्ठे होते हैं वहाँ पानी के सकोरे लगाएं। हम भी उनकी इनमें मुहिम में उनकी मदद करेंगे। हमारा सहयोग सदा इनके साथ है और जब चाहें हमसे मदद ले सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे बताएं, आज हमने इस भीषण गर्मी के कारण पक्षियों की ये सकोरे लगाए हैं। तो खास बात ये भी है कि आज हमारे भतीजे विजय सिंह के पुत्र प्रिंस कुमार के जन्मदिन पर हमने यहाँ भी लगाए हैं, डिगरोत्ता में, नावा में भी अनेक जगह लगाएंगे। और भी भाइयों को यही विनती करते हैं वो भी सहयोग करें हमारे कार्यक्रम में।